हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं, एक नहीं करोड़ों युवाओं के सपने। कोई इंजीनियर बनने निकला मजदूर बन गया, डॉक्टर बनने निकला मजदूर बन गया, सेना में ज्यादा जाना चाहता था। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सर्विस होती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी देखभाल करती थी, अब नई योजना लाए हैं अग्निवीर योजना, इसमें आप 4 साल काम करोगे उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, रोजगार मिले ना मिले मर जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश का राजस्थान का किसान पूछता राहुल जी एक बात बताओ, ये जो 3-4 पूंजीपति हैं लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं और ये वापस नहीं देते और उनके बारे में कहते हैं ये बड़े उद्योगपति हैं बड़े पूंजीपति हैं इनका कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। कोरोना के समय लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इनका माफ किया। किसान मुझसे पूछते हैं हमने गलती क्या की, हमें क्या कमी है, वो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, हम 1 लाख का 2 लाख का 3 लाख का कर्जा लेते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। दूसरा सवाल पूछते हैं राहुल जी हम बीमा प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा भरते हैं और जब आंधी तूफान आता है हमें 1 रुपया नहीं मिलता, 24 घंटा हम कभी इंटरनेट पे कभी टेलीफोन में कंपनी के लोगों को ढूंढते रहते हैं, वो कहीं नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। तीसरी बात राहुल जी पहले गैस सिलेंडर 400 का था अब 1200 का, पहले पेट्रोल 60 रुपए का अब 110 का, तो वो पूछते हैं राहुल जी एक बात बताइए ये जो पैसा हमारी जेब से निकाला जा रहा है पेट्रोल का पैसा डीजल का पैसा गैस सिलेंडर का पैसा जो महंगाई हो रही है उसमें से जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, पैसा गायब तो नहीं होता ना, आपने कभी देखा पैसा को गायब होते हुए, कैसे आपने पैसा फेंका हुआ गायब हो गया आसमान में, हाँ वो हो गया था वो हो गया था नोटबंदी वाला मोदी जी ने जादू किया पहली बार उसको भी उड़ा दिया। भाई भाई से लड़ता है बेटा पिता से लड़ता है परिवार को फायदा हुआ कभी, ऐसा कोई परिवार है जिसमें भाई भाई से लड़ गया और उस परिवार को फायदा हुआ हो, सवाल नहीं उठता। तो अगर परिवार को लड़ाई से फायदा नहीं होता तो देश को क्यों होगा, देश को नुकसान होगा, जितनी नफरत देश में होगी उतना नुकसान इस देश को होगा। मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो किया है वो इतना जरूरी नहीं है, जो करने जा रहे हो वो और जरूरी है। सबसे पहले जो मैंने किसान कर्जा माफ की बात की, 22 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है 14,000 करोड़ रुपए, 8 लाख किसानों का बिजली का बिल राजस्थान में 0 रुपए है। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के लोगों को 10 लाख रुपए बीमा में मिलता है और 28 लाख लोगों को चिरंजीवी योजना का फायदा मिला है। और जो हमने पहले मनरेगा गांव में चलाया था, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने शहर में मनरेगा शुरू किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता, स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। 2 बार अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रही है।